Hi, my dear friends, welcome to my channel World of Education. Let's start class 8th science. Namaskar, mere pyare doston, mere channel World of Education mein aapka swagat hai. Kaksha 8 vigyan. Hello, mere pyare doston, mere channel World of Education mein khush aamadeed. Class 8 science. Friends, let's start chapter Pollution of Air and Water. Q3. How does addition of fertilizers in the water body act as pollutant? Answer. Fertilizer get accumulated in the water bodies which acts as nutrients for green aquatic plant called algae. The algae grow fast and form algal bloom over the entire water surface. As a result of it, sunlight does not reach to plants and animals that may result to aquatic species. प्रश्न 3. जल निकायों में उर्वरकों का समावेश किस प्रकार प्रदूषक के रूप में कार्य करता है? उत्तर: उर्वरक जल निकायों में जमा हो जाते हैं, जो शैवाल नामक हरे जलीय पौधे के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। शैवाल तेजी से बढ़ते हैं और पूरे पानी की सतह पर शैवाल खिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप पौधों और जानवरों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके परिणामस्वरूप जलीय प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। Q3. आबी ज़खायर में खाद का इजाफा आलूदगी के तौर पर कैसे काम करता है? जवाब: खाद आबी ज़खायर में जमा हो जाती है। सब्ज़ाबी पौधों के लिए ग़िज़ाई अज़ा के तौर पर काम करता है, जिसे एल्जी कहते हैं। तहालिब तेजी से बढ़ता है और पानी की पूरी सतह पर अलगल खुलता है। इसके नतीजे में सूरज की रोशनी पौधों और जानवरों तक नहीं पहुंचती, जिसके नतीजे में आबी अनवा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें जाना कि खाद अगर पानी में जमा हो जाता है तो वो पॉल्यूटेंट्स की तरह कैसे काम करता है। तो ये जब जमा हो जाता है पानी में खाद, तो ये कैसे काम करता है, ये हमारा प्रश्न था। अब हम इसका उत्तर ये था, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जो फर्टिलाइजर जो होते हैं, खाद जो होता है हमारा, वो जमा हो जाता है पानी में, और वो न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। किसके लिए? वो ग्रीन एक्वेटिक प्लांट, जिनको हम एल्गी कहते हैं, तो वो जमा हो जाए उनके लिए, वो न्यूट्रिएंट की तरह, यानी न्यूट्रिएंट जो उन्हें पोषक देते हैं, जिनसे उन्हें, जैसे हमें खाने से ताकत मिलती है, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं अलग अलग, विटामिन ए, डी, बी, सी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ऐसे ही इनमें भी आयरन, कैल्शियम, तो ये सब इस प्लांट को फर्टिलाइजर्स जो होते हैं पानी में जमा हो जाता है, खाद हमारा, और इससे जो है ग्रीन एक्वेटिक प्लांट, हरे वाले जो पानी वाले पेड़ होते हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं, तो ये इनका न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है, इन्हें ताकत देने का काम करता है इन पेड़ों को, ये फर्टिलाइजर्स हमारा खाद। और ये एल्गी जो हैं बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होते हैं और एल्गम ब्लूम बना लेते हैं, पूरे पानी के ऊपर कवरिंग बना लेते हैं। मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ ये किस तरीके से कवरिंग बनाते हैं। जैसा कि आप इन इमेज में देख सकते हैं, ये पानी के ऊपर परत जम गई है, कवरिंग बन गई है। ये सब किसकी है? एल्गी की। ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें ग्रीन एक्वेटिक प्लांट यानी एल्गी कहते हैं, तो ये पानी के ऊपर परत बना लेते हैं। किसकी? जो हम खाद डालते हैं उनसे इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, इनको पोषक मिल जाता है जो पानी में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। और ये पानी के ऊपर एंटायर वाटर सरफेस, पूरे पानी के ऊपर ये परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ धूप जो है नीचे नहीं जा पाती, इसके अंदर नहीं जा पाती। डज नॉट रीच टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट मे रिजल्ट टू एक्वेटिक स्पीशीज। तो फिर इससे जो है हमारी एक्वेटिक स्पीशीज, जितनी भी जो पानी के अंदर जो भी रहती है एक्वेटिक स्पीशीज, यानी मछली, मगरमच्छ और ये सब जितने भी पानी के अंदर जीव जो रहते हैं और पानी के अंदर जो पौधे होते हैं, उनके वहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती। यहाँ
जो सूरज से रोशनी आती है वो नहीं पहुंच पाती इसकी वजह से। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।